हेलो एवरीवन, आज हम लोग वाटर सप्लाई से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने वाटर सप्लाई से ही रिलेटेड दो न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे हम वाटर सप्लाई में जो पंप यूज़ करते हैं उसके हॉर्स पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हम एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम कैसे पंप के हॉर्स पावर को हम कैलकुलेट करेंगे और उसके डाया को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए वाटर सप्लाई स्कीम टू बी डिजाइंड फॉर सर्विंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4 लैक्स, द स्टोरेज रिजर्वायर इज सिचुएटेड एट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी एंड द लॉस ऑफ हेड फ्रॉम द सोर्स टू सिटी इज 16 मीटर। कैलकुलेट द साइज ऑफ सप्लाई मेन बाई यूजिंग वेसीवेज फार्मूला एज वेल एज बाई यूजिंग हैजन फार्मूला, एज्यूमिंग ए मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ 200 LPCD एंड हाफ ऑफ द डेली सप्लाई इज टू बी पम्प्ड इन 8 आवर। एज्यूम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द पाइप मटेरियल एज 0.012 इन वेसीवेज फार्मूला एंड CH इक्वल्स टू 130 इन हैजन फार्मूला। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है पहले हम ये लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन डेटा है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हमारा पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन है, पॉपुलेशन वो हमारा है 4 लाख। ये हमारा पॉपुलेशन गिवन है। 200 LPCD जो है पर कैपिटा डिमांड गिवन है। डिस्टेंस जो हमारा गिवन है वो कितना है, 8 किलोमीटर गिवेन है। जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ डैश की वैल्यू है वो हमारा गिवेन है 0.012 और CH कोफिशियंट गिवेन है 130। देन इसके बाद कह रहा है कि जो हमारा हेड लॉस है, हेड लॉस सोर्स से सिटी तक के लिए वो हमारा है 16 मीटर। HL की वैल्यू हेड लॉस गिवेन है। ठीक है, ये हमारा डेटा गिवेन है और कह रहा है कि हमें जो पाइप यूज़ करना है सप्लाई के लिए उस पाइप की हमें साइज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये हमारा गिवन डेटा हो गया। अब हमें पाइप की साइज़ को कैलकुलेट करने के बाद जो हम पंप यूज़ करेंगे उस पंप की हॉर्स पावर को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा मैक्सिमम पर कैपिटा डिमांड है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन है मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ 200 लीटर पर डे पर पर्सन, यानी कि मैक्सिमम पर कैपिटा डिमांड हमारा क्वेश्चन में गिवन है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे या 200 LPCD। ठीक, ये हमारा मैक्सिमम डिमांड हो गया। और जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, 4 लाख है। 4 लाख हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वाटर डिमांड कैलकुलेट करना है पर डे का। 1 डे के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम वाटर डिमांड को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम वाटर डिमांड, वाटर डिमांड पर डे। ठीक, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि एक पर्सन पे जो वाटर का डिमांड दिया हुआ है वो कितना है, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे है, और टोटल हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 4 लाख है। तो अब एक पर्सन पे अगर 200 है तो 4 लाख पे कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख इंटू 200 कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 80 मिलियन लीटर पर डे। ठीक, 80 MLD हमें ये हमारी मैक्सिमम वाटर डिमांड हो जाएगी पर डे का, 80 मिलियन लीटर पर डे। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा पंप है वो आधे दिन के 8 आवर भी हम उसको वर्क करा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये कंडीशन दिया हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द डेली सप्लाई टू बी पम्प्ड इन 8 आवर। जो हाफ डे की सप्लाई है उसको हम 8 घंटे की पंपिंग में हम कंप्लीट कर रहे हैं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम वाटर डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गया, मैक्सिमम वाटर डिमांड फॉर विच द वाटर सप्लाई मेन टू बी डिजाइन। जो हमारा हाफ डे के 8 आवर में पंपिंग है उसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम वाटर डिमांड कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 80 मिलियन लीटर हमारा टोटल डिमांड है। अब हाफ डे मतलब आधे दिन में 12 घंटे के 8 घंटे की पंपिंग यानी 8 आवर्स की पंपिंग के अकॉर्डिंग उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 80 × 12 / 8, ये हमारा हो जाएगा हाफ द डेली सप्लाई इज टू बी पम्प्ड इन 8 आवर। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा भी गया है कि डेली सप्लाई के हाफ दिन में 8 घंटे की पंपिंग के अकॉर्डिंग ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी। अब जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी 120 mld, 120 मिलियन लीटर पर डे, ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी 8 घंटे की पंपिंग में। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, मिलियन लीटर पर डे को हम मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मिलियन लीटर को अगर हम लीटर में लिखेंगे तो कितना होगा, 120 × 10⁻⁶ लीटर हो जाएगा। अब लीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो divided by 10⁻³ कर देंगे। अब ये हमारी यूनिट किस में हो गई, मीटर क्यूब पर डे में। अब डे को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो × 24 × 60 × 60 कर लेंगे। अब ये यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर सेकंड में या क्यूब में इसमें। ठीक है, ये हमारी यूनिट हो गई मीटर क्यूब पर सेकंड में। ठीक, अब हमें क्या करना है, जब यूनिट कन्वर्ट हो गई अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम वाटर डिमांड आएगा 8 घंटे की पंपिंग में वो हमारा जो होगा 1.39 क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा 8 घंटे के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं, अब ये हमें टोटल डिस्चार्ज पता चल गया हमारा 1.39 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम आते हैं, तो ये जो हमारा मैक्सिमम वाटर डिमांड आया है 8 घंटे की पंपिंग में, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.39 क्यूमेक्स। ठीक, अब एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है हमारा जो सोर्स है और जो रिजर्वायर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है भी 8 किलोमीटर अवे। तो 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर, अभी इस 8 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है एच एल की वैल्यू, तो हमें पता है एच एल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, यहाँ आप देख सकते हैं 16 मीटर, 16 मीटर हमारा हेड लॉस की वैल्यू गिवन है। ठीक, एच एल की वैल्यू हो गई 16 मीटर। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो एस इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0.04 to the power 1/0.54 × 1.85। ठीक, ये हमारा एस की वैल्यू हो जाएगा। अब ये वैल्यू आई कैसे है, हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ये हमारा वैल्यू कैसे आया है। हमें जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा हाइजन विलेज फार्मूला होता है,
विलियम्स फॉर्मूला, वो हमारा क्या होता है, वी इक्वल्स टू 0.85 इंटू सी एच इंटू आर टू द पावर 0.63 इंटू एस टू द पावर 0.54। ठीक, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हाइजन विलियम्स का। अब चूंकि हमें पता है कि अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए क्या होगा, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। अब डिस्चार्ज हमें पता है 1.39 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और एरिया इक्वल्स टू लिख सकते हैं पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हमें डी स्क्वायर जब वैल्यू पुट करेंगे, ये वी इक्वल्स टू की जगह पे ये इसमें अब हमें एक वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले, वेलोसिटी। जैसा कि पता है कि जो हमारा वेलोसिटी का रेंज होता है वो कितना होता है, 1.2 से 2.6 मीटर पर सेकेंड हम वेलोसिटी को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरली हमारा वेलोसिटी का रेंज रहता है। अब इसमें से हम वेलोसिटी की एक वैल्यू कोई एज्यूम कर लेंगे, देन उसके बाद हम जब वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक डी की वैल्यू मिलेगी। ठीक, इस डी की वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब एरिया इक्वल्स टू हम क्या पुट कर सकते हैं, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक, तो हम वेलोसिटी यहाँ से कुछ एज्यूम कर लेंगे, एक वैल्यू इनके बीच में। तो जब एज्यूम करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी, डिस्चार्ज हमें पता है 1.39 है, और यहाँ से फिर हम डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ हमें डी की वैल्यू 1 मिलेगी। अब इस डी की वैल्यू को जब सॉल्व करने के बाद इस डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे हेजन विलियम्स फार्मूले में, वी इक्वल्स टू 0.85 इंटू सी एच इंटू आर टू द पावर 0.63 इंटू एस टू द पावर 0.54। अब आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाई 4 टू द पावर 0.63, और हमें सी एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 130। उसके बाद वी की वैल्यू हम एज्यूम किए रहेंगे शुरू में, तो यहाँ वी की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, बचा हमारा एस केवल। यहाँ से हम एस इक्वल्स टू जब कैलकुलेट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो एस इक्वल्स टू हमें यहाँ मिल जाएगा 0.04 टू द पावर 1/0.54 इंटू 1.85। ठीक, ये हमें एस इक्वल्स टू मिल जाएगा। देन उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे और तो हमें एस इक्वल्स टू मिलेगा 0.0026, ये हमारा स्लोप हो जाएगा एस की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ एस इक्वल्स टू लिखा गया है 0.0026। ठीक,
जब 0.0026 सॉल्व करेंगे और इसको हम एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू हमारा फ्रिक्शन स्लोप था, इसको एच एल अपॉन एल भी लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच एल अपॉन एल इक्वल टू हो जाएगा 0.0026, इसको इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच एल इक्वल टू हो जाएगा 0.0026 इंटू एल, एल की वैल्यू हमारा गिवन है 8000 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 0.0026 इंटू 8000। यहाँ 1.8 किलोमीटर गिवन है, बट ये 1.8 किलोमीटर ना होकर के यहाँ पे 8 किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8000 मीटर होगा। तो इसमें हम 8000 से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ के क्वेश्चन में ये चीज़ गलत लिखा गया है, सॉल्व में जो किया गया है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एल की जगह पे 8000 से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से एक हेड लॉस की वैल्यू मिलेगी एच एल। ठीक, अब हेड लॉस की जो भी वैल्यू हमारी आएगी सॉल्व करने के बाद, यहाँ इसने गलत एक एंट्री किया हुआ, यहाँ 8000 होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक हेड लॉस की यहाँ एक वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब इस हेड लॉस को हम क्या करेंगे, हम जो सप्लाई मेन हमारा है 36 मीटर गिवन है, डिफरेंस दिया हुआ है हमारा एलिवेशन, वो कितना है 36 मीटर है। अब उस 36 मीटर को हम ऐड कर लेंगे हेड लॉस जो हमारा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा उसके साथ। ठीक, जब उसको हम ऐड करेंगे तो टोटल हेड लिफ्ट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 40.68 मीटर। तो ये हमारा एच की वैल्यू हो जाएगा, जो भी हम वैल्यू है यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा उस वैल्यू को ही यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 36 मीटर हमारा क्या है, गिवन है। तो उसके बाद जब हम इसको ये वैल्यू, यहाँ चूँकि 4.6 लिखा है तो ये 4.6 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8000 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जो वैल्यू आएगा उसको हमें 36 मीटर में ऐड कर लेना है। जब ऐड करेंगे तो हमें टोटल हेड की वैल्यू मिल जाएगी, एच की वैल्यू। ठीक है, अब एच की वैल्यू मिल गई, हमें फार्मूला पता है कि एच पी इक्व टू होता है गामा डब्लू इंटू क्यू इंटू एच अपॉन 75 इंटू ईटा। तो गामा डब्लू 1000 हो जाएगा इंटू डिस्चार्ज हमारा जितना आया रहेगा शुरू में, उस वैल्यू को ऐड कर लिख लेंगे, तो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा इंटू एच की वैल्यू, ये ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमें मिली है उसको ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 74। अगर ईटा की वैल्यू क्वेश्चन में जब भी गिवन नहीं होगी, तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था 65 से 80% के बीच में हम कोई वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ 65 एज्यूम किया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.65। यहाँ क्यू की वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन में आया था सॉल्व करने के बाद आया था उसको पुट कर देना है, और एच की वैल्यू जो यहाँ पे ऐड करने के बाद वैल्यू आया इसको ऐड कर लेना है। देन इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वही हो जाएगी ब्रेक हॉर्स पावर की वैल्यू, या हॉर्स पावर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ और न्यूमेरिकल का अगर हमें मिलेगा तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।